हेलो एवरीवन, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हमने कोई अपना काम करने का जो सोर्स ढूंढा है वो कोई आउटसाइडर है। ठीक है, ये स्प्लिट अपने आप कर दिया हमने वर्ड को ताकि हम इजीली इसको समझ सके। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या मतलब है इसका, दैट अ कंपनी, व्हेन अ कंपनी गिव्स सम ऑफ हिज ओन टास्क टू द आउटसाइड एजेंसी। काम किसका है, कंपनी का है, लेकिन वो करवाना किससे चाह रही है, किसी आउटसाइड एजेंसी से। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी ऐसा क्यों करवाएगी, वाई सम ऑफ हिज ओन टास्क विल बी गिवन टू द आउटसाइडर, सो दैट द कंपनी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोर कॉम्पिटेंस इशू। मतलब जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, राइट, जैसे क्वालिटी इंप्रूव करनी है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, किस तरह से आगे फर्स्ट नंबर पे जाना है, वो उनके लिए कोर कॉम्पिटेंस इश्यूज हैं, सो दैट दे कैन कंसंट्रेट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज। सो दैट्स व्हाई दे गिव सम ऑफ हिज ओन टास्क टू द आउटसाइड एजेंसी। ये जो हमारी आउटसोर्सिंग है, ये तो मीनिंग हो गया बेटा आउटसोर्सिंग, राइट। सो ये जो आउटसोर्सिंग है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज बीपीओ एंड सेकेंड इज केपीओ। द फुल मीनिंग, द फुल फॉर्म ऑफ बीपीओ इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड द केपीओ इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ को हम जनरली इस चीज में माना करते हैं कि जो हमारा रूटीन टाइप ऑफ टास्क है दैट विल बी गिवन टू द आउटसाइडर, और केपीओ में हम कौन सा काम लेंगे जो हमने बाहर वालों को दे दिया, विच रिक्वायर्स अ स्पेशल नॉलेज, विच रिक्वायर अ स्पेशल स्किल। तो आज जो हम अपना टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज केपीओ ओनली। ठीक, केपीओ में है क्या, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मींस दैट टास्क विल बी आउटसोर्स जिसमें हमें स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, जहां पे हमें किसी एक्सपर्टाइज नॉलेज की जरूरत है या किसी स्पेशल स्किल की जरूरत है। That task will be given to the outsiders. For example, हमने कुछ कंसल्टेंसी की सर्विसेज चाहिए सो दैट ही कैन एडवाइज द राइट डिसीजन टू अस, तो वो काम हम किसी को दे रहे हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द केपीओ। कई बार इन चीजों में हम ऐसे जो लो लेवल के डिसीजंस हैं, लो लेवल के डिसीजंस कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम माने कि रिक्रूटमेंट में हमारी हेल्प कर दे, रिक्रूटमेंट मतलब सिलेक्शन में, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये कुछ तरह के, जैसे कि मार्केट की रिसर्च है कोई हमारी कि दैट विच मार्केट इज मोस्ट असेसिबल फॉर अ कंपनी, कौन सी जगह है, कौन से प्रोडक्ट हैं जहां पे ज्यादा डिमांड हो सकती है। सो सच टाइप ऑफ रिसर्च, सच टाइप ऑफ डिसीजंस, समटाइम इट इज आल्सो गिवन टू द आउटसाइड एजेंसीज। व्हाई, सो दैट ऑन देयर डिसीजन द कंपनी कैन रिलाय एंड कंपनी कैन मूव फॉरवर्ड, दे कैन अचीव देयर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो यहाँ पे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हमने अपने वो काम आउटसाइडर्स को दे दिए विच नीड सम स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स, स्पेशल एक्सपर्टाइज, राइट। इवन समटाइम्स द लो लेवल डिसीजंस, बिकॉज बेटा हाई लेवल डिसीजंस कौन से होते हैं, अपर लेवल डिसीजंस कौन से होते हैं, वो हम बाहर वालों को नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लो लेवल का काम नहीं है, ये हायर लेवल का काम है, ये हम बाहर नहीं दे सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वट विल बी द पॉलिसी, राइट, वट विल बी द स्ट्रेटेजी, दीज टास्क कैन नॉट बी गिवन टू द आउटसाइडर्स, दिस हैज टू बी डन बाय द कंपनी इटसेल्फ, ये काम बाहर नहीं देने। लेकिन जो कुछ और काम जिसमें हमें स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि हाई लेवल के होते हैं, वो लोअर लेवल डिसीजंस, वो सारे काम भी हम बाहर दे सकते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ केपीओ। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ केपीओ, इस नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के फीचर्स कौन से हैं। फर्स्ट फीचर तो यही है, बीपीओ वर्सेस केपीओ। बीपीओ में हम यही मान लेते हैं दैट इट इज द रूटीन टाइप ऑफ टास्क। यहाँ पे हम जो रूटीन काम है वो हमने बाहर वालों को दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कूरियर सर्विसेज है,
वो हमने बाहर वालों को दे दी। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी है, वो हमने बाहर वालों को दे दिया। तो ये रूटीन टाइप ऑफ टास्क हम मान लेते हैं बीपीओ में, बट वेयर स्किल इज रिक्वायर्ड, सम एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द केपीओ। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पर्पस क्या है, व्हाई केपीओ इज रिक्वायर्ड। अब ये जो हमारा पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी इसको क्लियर कर देते हैं। आपका ये पॉइंट है टू प्रोवाइड बिजनेस एक्सपर्टाइज टू कस्टमर्स। ये कस्टमर्स हमारी कौन है? ये कस्टमर्स हैं हमारी बिजनेस फॉर्म्स, वो वाली बिजनेस फॉर्म्स जिन्होंने काम दिया है। ठीक है, तो ये जो केपीओ है, ये जो एजेंसी है केपीओ की जो प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज, ये एजेंसीज अपने कस्टमर्स को एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दिस इज द पर्पस। मतलब ये जो कंपनीज जिन जिनको हम बाहर काम दे रहे हैं, दीज एजेंसीज विल प्रोवाइड एक्सपर्टाइज सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। बिजनेस से रिलेटेड सारा काम परफेक्ट होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बिजनेस एक्सपर्टाइज। सारे काम एक्सपर्ट करने हैं, उनको बहुत एक्सपर्टाइज सर्विसेज देनी है उन्होंने अपने कस्टमर्स को। थर्ड पॉइंट, क्या क्या काम इसमें आता है केपीओ में? इट इंक्लूड्स हाई एनालिटिकल थिंकिंग, जहां पे हमें किसी चीज को एनालाइज करना है। देखो साथ साथ एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है कि हमने कहीं पे इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, उसके इतने रिटर्न्स आ रहे हैं। और एक दूसरा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की और इतने रिटर्न्स आए, तो कौन सा ज्यादा, इन सबको पूरी तरह से एनालाइज करके ये देखना कि कौन सा ज्यादा फ्रूटफुल रहा। हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, उसके ये इतने साल में क्या प्रॉफिट था और उसका क्या स्केल चल रहा है, उसके क्या उसमें अल्टीमेटली उसके क्या रिजल्ट्स हैं, मतलब आइदर द प्रॉफिट्स आर राइजिंग डिक्रीजिंग। इतना हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद उसका हमारे प्रॉफिट से क्या रिलेशन है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास डेटाज होते हैं, उनको प्रॉपरली उनका रिजल्ट निकाल के देना, सो दैट इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट विल कम अंडर द डेटा एनालिटिक्स। तो ये सारे काम भी हमारे लिए आउटसोर्सिंग की एजेंसीज कर रही हैं, जिसमें हम कहते हैं हाई एनालिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। अब हम दूसरी बात करते हैं कि हमें टेक्निकल स्किल भी चाहिए। टेक्निकल स्किल किस तरह से चाहिए? हम किसी नई न्यू रिसर्च में है, न्यू टेक्नोलॉजी को हम अपना कोई चाहते हैं कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। अब कंपनीज ये वाला काम भी बाहर आउटसोर्स कर देती है। क्यों कर देती है वो? क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, हमें ऐसे लोग चाहिए जो वाकई हमें कुछ रिजल्ट्स दे सके, तो इसके लिए वो इस काम को भी आउटसोर्स कर देती हैं, ताकि अल्टीमेटली दीज कंपनीज जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो प्रोवाइड कर रही हैं सर्विसेज, दे कैन डू द रिसर्च फॉर द बिजनेस फॉर्म्स, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें ट्रेनिंग की ही बात करें, ट्रेनिंग का काम भी टेक्निकल स्किल का है, तो ये काम भी केपीओ में आ जाएगा। अब जैसे डिसाइसिव जजमेंट्स की जजमेंट, अभी हमने पहले किया था कि लोअर लेवल जजमेंट्स कैन ऑल्सो बी डन, लोअर लेवल डिसीजंस इट कैन ऑल्सो बी टेकन बाय द केपीओ एजेंसीज, कि वो कंपनी को बताएगा कि आपको यहां से फंड्स रेज करने हैं, कहां से आपको फंड्स, कहां पे आपको फंड्स इन्वेस्ट करने हैं। तो ये लोअर लेवल डिसीजंस जो हैं, इनमें भी उनको डेटा प्रोवाइड करेगा, जैसे वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि जो हमने ट्रेनिंग करवानी है वो कौन सी मशीनरी पे करवानी है। ये हो गया लोअर लेवल डिसीजन। ये जो फंड्स रेज करने हैं, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो ये हाई लेवल का, बट दे विल सजेस्ट द कंपनी कि कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो, विच विल बी मोस्ट फ्रूटफुल फॉर यू, जहां पे आपकी कॉस्ट कम आए और रिटर्न्स आपके ज्यादा रहे। कॉस्ट कम रहेगी और रिटर्न्स ज्यादा रहे, तो ये सब चीजें कहाँ पे आएंगी? इट विल बी इन्वॉल्व इन केपीओ, जहां पे हमें हाई एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, टेक्निकल स्किल चाहिए और लोअर लेवल के डिसाइसिव जजमेंट्स भी जो इजीली ले सके। अब देखिए जो केपीओ है, इससे हमें मेन एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहले तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये आप सबसे पहले लो अपनी जो बिजनेस फर्म है, बिजनेस फर्म ने अपना कुछ काम बाहर वालों को दे दी, ठीक है, दे गिव सम टास्क किसी
किसको दे दिया? आउटसाइडर्स को। अब इनका अपना काम जब कम हो गया, अब जब वर्कलोड कम हो गया, वर्कलोड कम होने से क्या होगा? वर्कलोड हो गया कम और एफिशिएंसी इनकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब दूसरी बात, कैसे एफिशिएंसी इसमें ज्यादा आ जाती है, कैसे कॉस्ट सेविंग आ जाती है? अब ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसीज का ये काम ही है कि वो वही काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग ओनली द एनालिसिस, दे आर ओनली, वो सारे अपने इन्वेस्टमेंट, दे नो दैट कि कहाँ कहाँ से किस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, क्योंकि उनका वही काम है, वो उसी काम में लगे रहते हैं। कुछ कंपनीज हैं जो सिर्फ रिसर्च में लगी हुई हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो दूसरों के लिए स्पेशल अपना सॉफ्टवेयर बनाते जा रही हैं। ठीक है, तो ये सब काम कर रहे हैं ये लोग, तो ये काम, क्योंकि इनका एक ही काम है तो इसलिए इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। और क्योंकि ये इसी एक काम को लार्ज स्केल पे कर रहे होते हैं, बहुत सी कंपनीज के लिए ये काम कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली जब ये एक ही काम कर रहे हैं तो इनके काम करने की जो लागत है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डूइंग द टास्क, वो कम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो एक ही तरह का काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी तो बहुत कामों में लगी हुई है, उसने अपना कुछ काम किसी एक्सपर्ट एजेंसी को दे दिया, अब वो एक्सपर्ट एजेंसी तो एक ही काम को कर रही है, तो वो उस काम को लेस कॉस्ट में कर देगी और एफिशिएंसी, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ करेगी। तो ये जो एफिशिएंसी है, ये बिजनेस फॉर्म की भी बढ़ रही है और ये हमारी आउटसोर्सिंग एजेंसी की भी है। ठीक है, और कॉस्ट कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कॉमन सर्विसेज, ये वही चीज है जो हम अभी तक पहले कर चुके। कॉमन सर्विसेज क्या मतलब, कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं? ये सर्विसेज हैं रिसर्च की, चाहे वो हमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा प्रॉफिट्स या रिटर्न्स की उम्मीद है। बिजनेस रिसर्च, कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पे हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, या हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही हम अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे बीट कर सकते हैं, क्या क्या और हमारी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। मार्केट रिसर्च, मार्केट, कौन सी मार्केट हमारी जो है, जो हम और ओपन करके अपने प्रॉफिट्स ले सकते हैं, मार्केट की नीड्स क्या क्या हैं, एवरीथिंग रिलेटेड विद द मार्केट, इट कैन बी डन बाय द केपीओस। लीगल प्रोसेस, लीगल, हमारे हर कंपनी बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व रहती है, तो ये सारा काम भी हम किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को दे सकते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने अपने किसी आउटसाइडर ने कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल कर दिया, या हमारी कंपनी किसी और किसी के ऊपर केस फाइल करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर फीलिंग दैट फ्रॉड इज डन विद द कंपनी। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने होते हैं, हम किसी एग्रीमेंट में जा रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, सो ऑल दीज लीगल सर्विसेज प्रोसेस विल बी डन बाय द आउटसोर्सिंग एजेंसीज। तो इसके बाद हम बात करते हैं पेटेंट सर्विसेज की। पेटेंट क्या है? पेटेंट है कि अगर हमने कोई भी अपनी रिसर्च की, उस रिसर्च में हमने कोई न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, तो कुछ भी जो हमने न्यू इन्वेंट किया है उसको अगर हम पेटेंट करवा लें, नो वन एल्स कैन यूज आर न्यू रिसर्चेस, नो वन एल्स कैन यूज दैट न्यू रिसर्च विदाउट गिविंग अस इंफॉर्मेशन। तो ये जो पेटेंट है, हमने अपने काम को अपने तक रिजर्व कर लिया, अगर किसी और ने उस चीज को यूज करना है वो पहले हमारी परमिशन लेगा, हमें इन्फॉर्म करेगा, ओनली देन इफ वी अलाउ टू दैट पर्सन, ओनली देन ही कैन यूज द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू रिसर्च और वट एवर वी हैव मेड द न्यू थिंग्स दैट विल बी यूज बाय आवर परमिशन ओनली। तो इस पेटेंट को करवाना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो हमने रिसर्च पर अपनी मेहनत की है, वी कैन गेट अ प्रॉफिट ऑफ दैट। तो अपनी रिसर्च को, अपनी न्यू जो इन्वेंशंस है, उनको हमेशा पेटेंट करवा लिया जाता है, जो एक लेंथी प्रोसेस है, और इस लेंथी प्रोसेस के लिए भी हम अपनी सर्विसेज के लिए, हम इस काम के लिए, हम एक आउटसाइड एजेंसीज को ले सकते हैं जो हमारे लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स अभी आपको मैंने बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे इतने प्रॉफिट्स हैं, हमने इतने साल में अपनी इन्वेस्टमेंट को इतना बढ़ाया, इतने हमारे प्रोडक्ट्स थे, तो अब तक हमारी जो प्रॉफिट्स हैं आइदर ये कौन से उसमें रिटर्न्स जो हैं वो हमारे लिए सेटिस्फेक्टरी हैं या नहीं। कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये सिर्फ एक हमें सामने से अच्छे लग रहे हो लेकिन रियलिटी में जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे। सो दीज एनालिसिस हमारी अपनी कंपनी के हर चीज का, हमारी कंपनी के दूसरी कंपनीज के साथ कुछ कंपैरिजन का, ये सारे एनालिटिक्स इट कैन आल्सो दिस टास्क कैन आल्सो बी गिवन टू द आउटसाइडर्स। वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन किस चीज की हो सकती है? ये वैल्यूएशन एसेट्स की हो सकती है, वैल्यूएशन लाइबिलिटीज की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी पूरी जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो भी यूनिट है, हम जानना चाह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारे टोटल एसेट्स की वैल्यू क्या है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी एसेट इट इंक्रीज और डिक्रीज बाय द टाइम। हो सकता है आज जो हमने 1 करोड़ रुपीज की चीज ली है वो उससे पहले हो सकता है वो 2 करोड़ की रही हो या आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज उसकी कितनी वैल्यू है हमारी एसेट्स की और हमारी लाइबिलिटीज की। हम कुछ और प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, राइट? तो हम ये अपना काम आउटसोर्स कर सकते हैं कि जिस चीज को हम परचेज करना चाह रहे हैं, दिस आउटसोर्सिंग विल एजेंसी दे विल इवेल्युएट द टोटल वैल्यू ऑफ दैट एसेट कि जितनी हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी उतनी वैल्यू है या नहीं। सो सच टाइप ऑफ टास्क कैन बी गिवन टू द आउटसाइडर्स। एडिटोरियल प्रोसेस, एडिटोरियल प्रोसेस क्या है बेटा? हर कंपनी अपनी मैगजीन निकालती है, कुछ उनके ब्रोशर्स निकलते हैं हर साल, कुछ भी उनका मटेरियल, जो भी प्रिंट आउट्स निकल रहे हैं कि उनकी अचीवमेंट क्या है, उनके टोटल प्रॉफिट्स कितने रहे, उनकी एसेट्स कितनी रही, ये सब चीजें, जितना कहाँ कहाँ उन्होंने पैसा लगाया, कौन कौन से बड़े लोग हैं जो वहां पर काम करते हैं, उनकी पॉलिसीज क्या है, दिस ईच एंड एवरीथिंग इट इज टोल्ड टू द आउटसाइडर्स। और ये कैसे हम बाहर बताते हैं आउटसाइडर्स को? हम अपना कुछ मटेरियल्स पब्लिश होते हैं हमारा हर साल, तो इस काम को भी खुद ना करके इट कैन बी आउटसोर्स, ये इट कैन बी गिवन टू अदर कंपनीज एंड दोज फर्म्स, दोज आउटसोर्सिंग एजेंसीज विल डू इट फॉर द बिजनेस फर्म। तो ये सारे काम, दीज आर द कॉमन सर्विसेज विच कैन बी आउटसोर्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है, देखो ये जो लिखा हुआ है, एक हमारी आउटसोर्सिंग की प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मीन्स द कंपनी कैन नेवर नो, बिजनेस फर्म कैन नेवर नो कि किसने काम किया। फर्म को तो उन्होंने काम दे दिया, आउटसोर्सिंग एजेंसी को काम दे दिया, लेकिन वो काम किसने किया, राइट? कितनी कॉस्ट में किया, जो हमने उनको अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए थे क्या उन्होंने सीक्रेट रखे या कहीं लीक तो नहीं हो जाएंगे कहीं वो। सो ये जो ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है ये हमेशा बनी रहती है क्योंकि कोई और कंपनी हमारे लिए काम कर रही है। सो दिस इज द वन एंड मेजर प्रॉब्लम व्हेन वन बिजनेस फर्म इज गोइंग टू गिव हिज टास्क टू द आउटसोर्सिंग फर्म्स। तो आज हमने अपना ये टॉपिक केपीओ का कंप्लीट किया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू यू ऑल, कीप वॉचिंग।